Welcome back students. In this video we will discuss about the dehydration of alcohols. Most important है, ठीक है? Dehydration of alcohol and its mechanism दोनों ही आपके most important है. Dehydration of alcohol. देखिए dehydration का मतलब क्या होता है? Removal of water. Dehydration का मतलब यही होता है ना, पानी की कमी हो जाना, यानी कि removal of water, water का loss हो जाना, ठीक है? अब यहाँ हमको पढ़ना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में से वाटर का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए. सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है, आपने एक बीकर ले रखा है, उस बीकर के अंदर कोई एल्कोहल आपने डाल रखा है और वो एल्कोहल एज इट इज रखा हुआ है, आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसका कोई रिएक्शन नहीं कराया, उसमें कुछ आपने एड नहीं किया और अपने आप उस एल्कोहल में से वाटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. डिहाइड्रेशन जब आप करवाना चाहते हैं तो उस डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट्स जो कि वाटर के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो वाटर को किसी भी सब्सटेंस में से रिमूव कराते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और हम लोग काफी बार पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बार हमने पीछे भी डिस्कस किया है, जो हमारी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इट इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अगर आपको किसी सब्सटेंस में से वाटर का रिमूवल करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, वो भी कंसंट्रेटेड, थोड़े से अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दो, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे डिहाइड्रेशन करा देगी, वाटर का रिमूवल करवा देगी, ठीक है. तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हमें यहाँ पे पढ़ना है. देखो मैं एक एल्कोहल कंसिडर करती हूँ, सिंपल सा एल्कोहल मैंने ले लिया, CH3CH2OH, वही प्राइमरी एल्कोहल लिया है, ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पे भी ये लिखा मिल जाए सोच लेना, फटाफट से आपके माइंड में आना चाहिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये क्या करवाएगी, ये वॉटर का रिमूवल करवाएगी. वॉटर के अंदर क्या होता है, देखो HOH यानी कि OH एंड हाइड्रोजन को यहां से क्या होना है, रिमूव होना है. अभी आपका एल्कोहल है, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख रही हूं. देखो कार्बन कार्बन के साथ है यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ का नेक्स्ट कार्बन, इसके साथ में दो हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका OH ग्रुप. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराना है, रिमूवल ऑफ वाटर कराना है. वाटर कंटेन्स H एंड OH, तो OH तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, OH तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन एटम, अब इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इन हाइड्रोजन एटम्स में से कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा. अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन करेगा हम उस हाइड्रोजन को यहाँ से उठा करके हटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम लोगों ने लास्ट यूनिट पढ़ी हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, उसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था, आपको वहां भी बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था. देखो जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन होगा वो क्या होगा, हमारा बीटा कार्बन. तो इस तरह से जो भी रिमूवल होगा, ठीक है, जहां से भी एलिमिनेशन होगा या लॉस होगा हाइड्रोजन का, कहां से होता है, हमेशा बीटा कार्बन से होता है. हमेशा ध्यान रखेंगे OH ग्रुप तो आपको अलग से दिखाई दे ही रहा है, बट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन. तो इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. मान लो ये हाइड्रोजन चला गया तो क्या बनाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोडक्ट CH2, ये दो आपके एज इट इज CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH2 पहले से ही था, ठीक है, या इसको कंप्लीट में लिख देती हूँ एक साथ ही. देखो कार्बन के साथ आपके कौन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया आपके बीटा कार्बन से, और जो आपका अल्फा कार्बन है उसके साथ तो दो ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. देखो इट इज योर CH2 मिला आपको एंड CH2 प्लस वाटर का क्या हो गया, रिमूवल. अगर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आएगा, वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. जब आप एडिशन कराते हैं तो एडिशन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, एंड एलिमिनेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एडिशन. तो एलिमिनेशन में क्या होना है, जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, डबल बॉन्ड में.
सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. कोई भी आप एल्कोहल ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किए थे. ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का आप एल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और इसी तरह से आप क्या करा सकते हैं, रिमूवल करा सकते हैं. और ये मैंने आपको बता रखा है अगर कहीं पे मान लो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो कहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा. उसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, सेडजिफ रूल. उस रूल को फॉलो करते हुए आप वहां से क्या कराएंगे, रिमूवल करा देंगे हाइड्रोजन का. ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है. वापस से बता रही हूं, इसका मैकेनिज्म डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझना है. ये मैकेनिज्म आ गया तो बाकी इस यूनिट के जितने भी मैकेनिज्म्स है उसको आप बहुत इजिली कर लेंगे. ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर. ये हमारा CH3, यही वाला एग्जांपल ले रही हूं जो भी समझाया, CH2 एंड OH. किसकी प्रेजेंस में हो रहा था रिएक्शन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. तो अगर कोई रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में होता है तो हम सबको पता है एसिड्स में कॉमन क्या होता है, H पॉजिटिव होता है. मीन्स एसिडिक कैरेक्टर के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपका हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल है. तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगा वो रिएक्शन स्टार्ट कौन कराता है, आपका H पॉजिटिव. मीन्स कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड आपको नहीं लिखनी होती यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, सिर्फ H पॉजिटिव लिख देते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि आप यहाँ पे एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. थोड़ा सा इसको और मैं एक्सटेंड करके लिख रही हूँ, ठीक है, और बेटर समझ आएगा. ये O H, इसमें भी मैंने बॉन्ड दिखा दिया क्योंकि इन दोनों में भी बॉन्ड होगा ऑब्वियसली, प्लस H पॉजिटिव. अब देखो क्या होगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप को बताने से पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी दिखाऊंगी. आप हमेशा देखेंगे जहां भी ROH आपको लिखा मिलेगा आपकी बुक में ऐसे लिख देते हैं हमेशा. अब क्यों लगाने होते हैं हमें ये लोन पेयर, अगर हम ये लोन पेयर नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमारा एल्कोहल किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर लोन पेयर नहीं लगाएंगे तो. बट लोन पेयर लगाने जरूरी है. देखो हमारा ये कंप्लीट कंपाउंड है, इसमें मैंने कोई चार्ज तो दिखाया नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज. इट मींस यहाँ पे सब्सटेंस का जो ऑक्टेट है, जो भी आपके एलिमेंट्स है सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही होगी. जैसे आपको कार्बन का दिख रहा है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा तीसरा एंड चौथा, और 4 हाइड्रोजन एटम्स ने शेयरिंग की, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट. बट ऑक्सीजन पे अगर मैं लोन पेयर नहीं दिखाती हूं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये तो हमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे. तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इसने यूज नहीं कर रखे हैं वो एज लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, तो उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. मैकेनिज्म का इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर करवाने का मेन मोटिव क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है या इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, हमारा मोटिव ये रहता है कि हमें उस सब्सटेंस को, उस एलिमेंट को क्या कराने हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाने हैं. इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो आपको, आपका क्या मकसद है यहाँ पे, क्या मोटिव है कि आपको इसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से हटा देना है. अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही तो देगा, वही यहां से कार्बन थोड़ी ना दे देगा. क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली यूज्ड है सारे के सारे, ठीक है, बॉन्ड बना रखा है सबने. यही इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे पास अनशेयर्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर की तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है. तो स्टेप फर्स्ट में ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपने ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है. अब दे देगा तो फिर बनेगा क्या, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ. देखो यहां तक मैंने कोई चेंज नहीं दिखाया ना, इसको एज इट इज उठा करके लिख दो. ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, या आपके 3 हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन के साथ थे 2 हाइड्रोजन. अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कुछ नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रह गए. इस बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया, ये बॉन्ड आपका एज इट इज रह गया. अभी ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यानी इसके पास क्या हो गई, अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई. इसके पास पहले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना एक लोन पेयर दूसरे सब्सटेंस को दे दिया, तो इसके पास तो कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसको शो करने के लिए हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है और लगाना कंपल्सरी है, ठीक है, नेसेसरी है, आप हमेशा इसको लगाएंगे. अब
इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये अलग ही हो गया हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को अपने साथ ये क्या करा रहा है, अटैच करवा रहा है, ठीक है। ये एच पॉजिटिव आयन इसके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना देता है। एक हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से है, ये वाला हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब कुछ बुक्स में इन दो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भी दिखाते हैं, ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बट इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दिखा दो तो बेटर है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। नाउ व्हाट अबाउट स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में देखो क्या है, अब आपके पास ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, पहले तो लिखो इसको, ये आपका CH3, ठीक है, CH2। जब तक आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता जा रहा है, आपका मोटिव ये है कि आपको उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना इस ऑक्सीजन के लिए बहुत शर्म की बात है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो तो क्या करेगा, वो फटाफट से किसी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर से हटाना पसंद करेगा, है ना, यही होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ये पूरा करना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा किससे, इन हाइड्रोजन से तो ये ले नहीं सकता, क्योंकि इसी हाइड्रोजन को तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है, उसी से वापस तो ले नहीं सकता, तो किससे लेगा। अब इसके पास हाइड्रोजन का तो ऑप्शन ही नहीं है, खत्म हो गया। अब इसके पास और कौन है, ये बॉन्ड इसको दिखाई दे रहा है, लोन पेयर तो और कोई है नहीं, है ना, ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट आपके पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन की ही है, तो इसने क्या किया, इसको और कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले, इसने इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ फटाफट से अट्रैक्ट कर लिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लिए अपनी तरफ, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स जब इसको मिलेंगे यानी पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट गया तो अब हमारे पास ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, क्या ये मिलकर के वाटर नहीं बना सकते। अब इसका पॉजिटिव चार्ज अगर हट गया तो फिर ये मिलकर के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये एज इट इज, कार्बन के साथ आपके तीन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, ये वाटर चला गया अलग, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे दूर हो गई, इसकी खत्म हो गई। अब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो अब इस कार्बन के पास तो डेफिशिएंसी हो गई, अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी है उसको शो करो विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट कौन बना है, एल्कीन बना है, पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखने का। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको कहा कि जब तक आपको पॉजिटिव चार्ज दिखते जा रहे हैं, आपको पॉजिटिव चार्जेस को क्या करना है, वहां पे रिमूव कराते जाना है। जब तक आपका ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं हो जाएगा, तब तक आपका मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि दो स्टेप में ये मैकेनिज्म अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका तीसरा स्टेप और होगा कोई। देखो थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, ये था आपका स्टेप सेकंड, ओके। नाउ व्हाट अबाउट स्टेप थर्ड, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसको सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि मैंने लिख दिया और आपने देख लिया हो गया, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है आपने उसको देख करके उसकी रीडिंग लगा ली हो गया, नहीं, अपने हाथ से जब तक इसको लिख करके नहीं देखोगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर करानी है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करानी है, आपको बिल्कुल नहीं आएगी, तो इसको बना करके देखो साथ में, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखते हो, ऑर्गेनिक की वीडियोस देखते हो, अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठा करो हमेशा, ठीक है, और ऑर्गेनिक ही क्यों, जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़ते हो, लिखने की ज्यादा से ज्यादा आदत होनी चाहिए आप में, ठीक है। ये आपका स्टेप थर्ड। अब देखो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके पास है, वाटर तो अलग हो ही गया, ठीक है, तो CH3 यहाँ पे CH2 और इस हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे इसका पॉजिटिव चार्ज हटाना है, बताओ कैसे हटेगा। अब इसके पास कोई बॉन्ड शिफ्ट होगा, कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर नीचे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, अगर मान लो ये वाला बॉन्ड इसके पास चला जाए, यानी कार्बन के बीच में ही तो है ये बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कार्बन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक और बॉन्ड आप यहां से हटा रहे हैं तो इसके ऊपर तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, ये बॉन्ड तो यहां से शिफ्ट हो ही नहीं सकता है। सेकेंड, अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है बॉन्ड, है ना, अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा यानी हट गया, तो इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहेगा, यानी इन दोनों कार्बन्स में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बचा, तो बात खत्म, कोई मैकेनिज्म का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो यानी ये बोल भी यहां से नहीं हट सकता। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास ये तीन हाइड्रोजन है लास्ट ऑप्शन। तो क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है और एक बोन्ड यहां से कोई भी यहां पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो देखो क्या कहा, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन रह गए एज इट इज, कार्बन ये फर्स्ट हाइड्रोजन और ये सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक बोन्ड था, एक बोन्ड इसके ऊपर और शिफ्ट हो रहा है यानी कि बन गया डबल बोन्ड। कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, अब इसको जब यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो फिर यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया इधर से। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बोन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये बोन्ड अगर यहां से हट ही गया यानी कि इस कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बोन्ड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन आपका एज एच पॉजिटिव क्या हो जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है, प्लस एच पॉजिटिव। तो जैसे आप कैटालिस्ट की बात करते हैं कि आपने कोई रिएक्शन कराया, जितना कैटालिस्ट आप यूज करते हैं उतना ही कैटालिस्ट आपको रिएक्शन के एंड में एज इट इज मिल जाता है, सेम यहां पे हुआ। आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, जो एच पॉजिटिव आप लेके चले थे वही एच पॉजिटिव आपको दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट मिल गया, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और ये कौन है, ये आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही तो है जो आपने प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। प्लस आप वाटर दिखा रहे थे डिहाइड्रेशन, तो देखो वाटर तो यहाँ पे बन ही चुका है सबसे पहले स्टेप सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाकी मैकेनिज्म इसी इन्हीं स्टेप्स पे ही बेस्ड है जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।